आप लोग पेशेंट हो तभी हम लोग नर्स का कोई वैल्यू है, डॉक्टर का कोई वैल्यू है। अगर हम लोग पहले पार्ट में क्या डिस्कस किए थे कि मेडिकल फील्ड में ना अभी धीरे धीरे स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल फील्ड में अभी जो बड़ा स्कैम, मतलब कि ये छोटा मोटा हॉस्पिटल में नहीं होता, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल में बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे होता है। कभी अक्सर न्यूज़पेपर में आता है कि मेडिकल फील्ड में ये हो गया वो हो गया, इतना बड़ा स्कैम हुआ, इस पेशेंट का जो डेड पेशेंट का इलाज करके इन लोगों ने इतना पैसा ले लिया। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ गाइस, जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि मेडिकल फील्ड में स्मॉल स्कैम्स और बिग स्कैम्स दोनों स्कैम्स एग्जिस्ट करते हैं और रिलेट भी करते हैं। कोई हॉस्पिटल में अगर स्मॉल स्कैम्स अभी हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, स्कैम करके आपको पैसा मिल रहा है, तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं यार इतने पैसे से क्या होगा भाई, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ये ज्यादा ज्यादा करके ना ये इंटरनेशनल लेवल के पहुंच जाते हैं और एक मरे हुए इंसान का भी इलाज कर देते हैं, किसी का जिंदा आदमी का, उसका किडनी, लिवर, आंख या फिर लंग्स भी बेच के उन लोगों को पैसा चाहिए। आप लोग सही सुन रहे हो कि हम लोग ना तो हम लोगों के बॉडी में जो भी पार्ट दो है उसका एक पार्ट में हम लोग जिंदा रह सकते हैं। हाँ हम लोग कमजोर हो जाएंगे, हम लोग वीक हो जाएंगे, हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल डेली लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि लंग्स दो है, एक में हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का कैंसर हुआ है लंग्स में, तो उसका वो लंग्स कभी कभी वो हिस्सा काट के हटाना पड़ता है। तो ऐसा ही जैसे कि किडनी दो है, आंख दो है, हम लोगों का कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोगों का बॉडी का जो ऑर्गेन है, टिश्यू है, सेल्स है, वो भी निकाल के बेचा जाता है। कभी कभी ब्लड हम लोगों के परमिशन के अलावा, अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में गए हो तो अगर आपको वहां पे विदाउट आपका परमिशन आपका ब्लड लेके दूसरे लोग को दे रहा है, ये तो इलीगल है कंप्लीटली, क्योंकि आपका ब्लड है, आपका बॉडी है, आपका जब तक परमिशन नहीं है कोई भी आपका बॉडी के से कुछ भी चीज हाथ नहीं लगा सकता, आपका कुछ मेडिसिन भी, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू नहीं हो सकता अगर आप उसमें सहमत नहीं हो, अगर आप उसमें एग्री नहीं करते हो। वैसा ही अभी अक्सर मैक्सिमम अगर बहुत बड़ा बड़ा स्कैम अगर हम लोग आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, किडनी, लीवर, ये सब बड़ा बड़ा जो ऑर्गेन है हम लोगों का बॉडी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में, उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता। कि ऐसा भी होता है कि डस्ट को भी निकाल के बेचा जाता है, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, किस इससे इतना पैसा लेके वो लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं, बस ऐसा भी होता है। आप लोगों ने शायद गब्बर इज बैक जो मूवी है अक्षय कुमार का, वो आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। वहां पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे एक जो मेडिकल का जो स्कैम है, मेडिकल स्कैम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपोज किया था। बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। कभी कभी ऐसा होता है हमारा ब्रेन काम करता है, हार्ट में थोड़ा सा भी पावर होता है, कभी कभी वो डिफिब्रिलेटर से उसको पावर जनरेट करके कभी कभी इंसान को बचाया जा सकता है, वो भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो लोग ट्रीटमेंट के नाम पे पैसा लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है जैसे कि मैं आप लोगों को स्मॉल स्कैम्स में बताया कि अगर आप में शरीर में वो प्रॉब्लम है भी नहीं, तो कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाया जाता है मेडिसिन से, उसके बाद वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि उन लोगों को फायदा हो। मैं ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप लोगों को सावधानी कैसे बरतना है, जब भी आप हॉस्पिटल में जा रहे हो कोई भी डॉक्टर आपको कुछ भी मेडिसिन या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या फिर आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप उनसे क्वेश्चंस कीजिए इससे मेरा कितना फायदा होगा। आप ऑल्टरनेट डॉक्टर से पूछ सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाके पूछ सकते हैं। ऐसा भी है कि कुछ कुछ लोग ना अपने पैसा बचाने की वजह से, वो आपका अगर किडनी में प्रॉब्लम है ये रिपोर्ट के बाद में पता चला कि आपका किडनी में डैमेज है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, नेफ्रोलॉजिस्ट थोड़ा सा महंगा है उनके पास नहीं जाते, हम लोग फिजिशियन दिखा देते हैं। फिजिशियन क्या आपका नेफ्रोलॉजिस्ट का वो आरडी डिटेक्ट करके या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक नेफ्रोलॉजिस्ट वो किडनी के ऊपर ही बेस्ड करके उसका स्पेशलिटी है, उसका वहां पे एक्सपर्टीज है। तो आप लोगों को उसी डॉक्टर के पास जाना है जिस बॉडी में, बॉडी का जिस पार्ट में आपका प्रॉब्लम है। बस ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मेरे बॉडी पे हो रहा है, तो मुझे इसके बारे में जानने का पूरा हक है। आप क्वेश्चंस कीजिए, हम लोग ना अक्सर क्वेश्चंस ही नहीं करते, हम लोग सोचते हैं भाई ये डॉक्टर है इनको कैसे क्वेश्चंस करें, ये सही बोल रहा होगा जो बोल रहा है,
क्या क्यों हम लोग ये सोच नहीं सोचते कि ये डॉक्टर है, हम लोग पेशेंट है तभी ये डॉक्टर है। आप लोग पेशेंट हो तभी हम लोग नर्स का कोई वैल्यू है, डॉक्टर का कोई वैल्यू है। अगर पेशेंट ही नहीं रहेगा तो डॉक्टर नर्स का कुछ वैल्यू नहीं है। तो आपका हक बनता है, आप क्वेश्चंस कीजिए ताकि डॉक्टर नर्स इन सभी को पता चले कि हाँ लोग जो कर रहे हैं उनको डिस्क्राइब करना है। उन लोगों के अंदर भी डर रहेगा कि हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोल के हम लोग पैसा नहीं ले सकते। तो बस इस वीडियो में इतना ही बोलना था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो से लास्ट में आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। यार थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, 1 सेकंड बस वो लाल वाला जो बटन है उसको दबाना है और घंटी को दबाना है ताकि मेरा जो आने वाला वीडियो आप लोगों को टाइम पे पहुंचता रहे। बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।